अब यहाँ पर छोरो उत्तर तल भीर हुँदैन ना ये तो सुविधा हुन्छ सबैलाई सुविधा हुन्छ हामीलाई सुविधा हुन्छ तपाईहरु यताको जनता भित्र आउने यो काम गर्ने दिनमा आउने बिहान आउने बेलुका फर्किनेहरुले पुरा सुविधा हुन्छ भन्ने चाहन्छ सर यसमा गर्दैन हो विल बी अलाउड टु सर विद द वर्क परमिट विल बी अलाउड टु एंटर थ्रू दिस प्रोसेस सर देयर आर सम इन्फॉर्मेशंस दैट मेनी इंडियंस आर बीन रिस्ट्रिक्टेड टु गो टु भूटान some businessmen and some journalists what would you like to say? Oh, I have nothing to say on this. I am totally unaware of this. Sir, relation hai Bhutan aur khali jayega ya view sir kya restriction kya hai sir? Yes, sir. To Bhutan aur India to friendship relation hai. Kyun restriction kiya ja raha hai sir? Aise question to abhi mat puchna aise to aaj to we had a lot of questions. No, it's okay. Fine. We'll meet next time. We never get a chance to ask you. Thank you. Thank you. We'll meet next time. Thank you. जाएगा यहाँ पर आपका वर्क परमिट है कि ऐसे जा रहा है तो है तो क्या काम करते हो ये थोड़ा तीन किलोमीटर क्या रोजाना नहीं चंडीगढ़ में रहता है हम चंडीगढ़ नीचे जो है ना रोजाना चलते घर कहाँ पर नहीं आज ही घर कहाँ पर यही पे चंडीगढ़ में है जाएगा क्या नाम गंगा जी जो आज ये अंतर्राष्ट्रीय भूटान ने अपने फायदे के लिए जो गेट खोला गया इसमें क्या बताने चाहते हैं इतना दिन जो गेट बंद था उनको आवश्यक नहीं पड़ा अभी उनको अचानक लेबर को देकर खाली जाने के सुविधा को लेकर गेट खोला गया क्या मानते हैं इसको देखिए गेट जब खुलता है तो उसमें हमारा भी फायदा है और भूटान का भी फायदा है ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ भूटान का ही फायदा है हमारे यहाँ से जो पैदल यात्री प्रतिदिन भूटान के अंदर जाते थे जो मेन गेट से होकर के जाते थे उसमें बहुत लंबा लाइन लगता था
आपको मालूम है वहाँ जगह बहुत कम था, और इसलिए हम लोग का भी रिक्वेस्ट था कि ये जो यहाँ पुराना जो चाइनीज लाइन में जो गेट है, जो पहले यहाँ से निर्बाध आवाजाही होता था, तो उसको पुनः चालू किया जाए। तो बॉर्डर बाउंड्री के कारण से वहाँ जो पुराना जगह है वहाँ तो नहीं हो पाया, लेकिन इस जगह में आज और दूसरा गेट खोला गया है भूटान SSB और सभी के सहयोग से। तो मुझे लगता है ये आने वाले दिनों में सबके लिए ही अच्छा होगा, जो पैदल यात्री प्रतिदिन भूटान जाते हैं या भूटान से जो भी निकलना चाहेंगे, तो उससे हमको लगता है कि इस देवकोटा टोल का इलाके का और सौंदर्यीकरण भी होगा और भलाई भी होगा, लोगों का कुछ ना कुछ भी थोड़ा बहुत जो आमदनी है उसमें वृद्धि। अच्छा, ये रास्ता जो प्राचीन रास्ता है, सबसे पुराना आपने बताया, ये चाइनीज लाइन सबसे पुराना, ये प्राचीन रास्ता अभी अचल हुआ है, इसके लिए आप लोग क्या सोचे? देखिए, आप जब ये रास्ता खुल गया है तो स्वाभाविक रूप से आप यहाँ से निकल करके सामने भूटान गेट जाएंगे, तो हम लोग अभी सभी इसी रास्ता से चल रहे हैं। मुझे लगता है कि अब लोगों का आवाजाही होगा तो ये रास्ता भी आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि जब से गेट खुला है आज ही के दिन में, यह पहले जितना यहाँ पर जंगल था ये भी साफ हो गया, अभी सब सफा हो गया है। अब लोग यहाँ से आवाजाही करेंगे, हम लोग भी अब यहाँ से सीधा भूटान गेट की तरफ ही निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून को मान करके सुरक्षा बलों का जो भी नियम है, SSB का, भूटान प्रशासन का, मानते हुए यहाँ से जो रास्ता आज खोला गया है, ये दोनों देश के लिए अच्छा है, दोनों देश के नागरिक के लिए अच्छा है, और इसके लिए हम सशस्त्र सीमा बल के हमारे जो अधिकारी हैं एवं भूटान के जो प्रतिनिधि हैं, इवन ये रास्ता देने के लिए हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट ने हमको सहयोग किया, PHE ने सहयोग किया, अपना जगह उन्होंने दिया, और थाने ने भी हमको काफ़ी सहयोग किया, एसपी साहब ने भी सहयोग किया सभी को, और अंचल के माध्यम से जो है ये 12 लाख रुपए का जो रास्ता बना है, अंचल के पूरा टीम को, प्रधान को, प्रधान सहित सभी सदस्यों को हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं एवं हम साधुवाद देना चाहेंगे। नमस्कार। गंगा जी एक सवाल है, सूचनाएं हैं काफ़ी सारे भारतीय एवं काफ़ी सारे पत्रकारों को भूटान में प्रवेश नहीं दिया जाता, इस विषय में क्या है? तो अभी आप हमको बता रहे हैं, हमको निर्दिष्ट बताइए कि कौन किस पत्रकार को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, और काफी सारे व्यवसाय, काफी सारे भारतीय को इस तरह का कोई विषय होगा तो निश्चित ये भूटान के अधिकारियों के साथ में इस बात को उठाया जाएगा। अच्छा दीदी, ये आज जो भूटान गेट चाइना में खोला गया, इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए। इसमें सबसे बड़ा हम बोलना चाहते हैं कि सबसे बड़ा हाथ है हम लोग का प्रकाश भैया का, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और गंगा भैया का साथी में वीरेंद्र भैया को, भैया भी था ब्लॉक प्रेसिडेंट, और उसके साथ में हम लोग का रीना दीदी, पूर्वा भाई का भी साथ था। जब हम लोग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो चिट्ठी लिखा था भूटान सरकार को देने का बाद ही वो लोग कुछ सोच समझ कर एक कदम उठाया कि आज चाइनीज रोड का अगर गेट हम लोग खोल सकता है तो लेबर का भी थोड़ा सुविधा होगा आना जाना में, एंट्री करने में। हम लोग का इतना दिन इंडियन में जो था, हम लोग के जगहों में लेबर लोग का पूरा प्रॉब्लम होता था, तो इसके कारण ये गेट खुला गया है कि दोनों तरफ से हम लोग का सुविधा हो। तो ये लेबर का जो गेट खुला गया है, ये सिर्फ लेबर परमिट के लिए ही क्यों खुला गया, इस बारे में आप लोगों ने बातचीत नहीं की भूटान सरकार से? भूटान सरकार से आप हम लोग बातचीत करेंगे, शायद हम लोग का बड़ा बड़ा जो लीडरशिप है शायद उन्होंने बात किया होगा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हम लोग का गंगा भैया चार जिला परिषद है, उन लोग बात किया होगा। मैम, क्या आने वाले दिनों में आम आदमी भी जा सकते हैं इस गेट से? इसके लिए अभी तो हम फिलहाल कुछ बोलना नहीं सकता है, हम बातचीत करेंगे, बात हम लोग कर सकते हैं भूटान सरकार से एक बार। आपका परिचय? मेरा परिचय जयगोन टूजीपी का प्रॉब्लम। धन्यवाद। तो सभी को मेरा नमस्कार। विगत कुछ महीने पहले ये चाइनीज लाइन गेट खुलवाने के लिए हमारे माननीय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रकाश चिकब्राइक जी ने हमारे भूटान गवर्नमेंट के लेटर किए थे, उस माध्यम से उन्होंने आश्वासन दिए थे, भूटान सरकार ने भी आश्वासन दिए थे कि बहुत जल्द से जल्द ये गेट चाइनीज लाइन खुलेगा। इसके में हमारे गंगा भैया, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने यहाँ पर आके इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे कि बहुत जल्द से जल्द ये गेट खुलेंगे। हम लोग सभी का प्रयास, इसमें मेरा योगदान है, यहाँ पर हमारे प्रधान, उप प्रधान, हमारे गंगा दा, हमारे सभी का प्रयास से आज ये चाइनीज लाइन खुला है,
इसके लिए हम सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीमान प्रकाश सिंह भाई के बहुत बहुत आभार जनाती हूँ मैम। और जैसा कि हमें पता चल रहा है कि जो जीपी के तरफ से 12 लाख रुपए सेंशन हुए इसमें भी आपका बहुत बड़ा हाथ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये हम लोग ने हमारे इंजीनियर से और जो इस हमारे प्रधान पहले के छुंकू लामा थे इन सबसे बैठ के हम लोग बात किए थे कि इस रास्ते के लिए जल्द से जल्द कुछ काम किया जाए, कार्रवाई किया जाए। उस समय में हमारे इंडियन हम सभी बैठ के हम लोग में मीटिंग किया और बोले कि जितना जल्दी हो सके इस रास्ता को करवाया जाए। और कुछ ही दिन पहले हमने जीपी में जाके हम प्रधान अंजू खातून को और हमारे इंजीनियर साहब सबको हम लोग अनुरोध किए थे कॉन्ट्रैक्ट के जितना जल्दी हो सके ये रास्ता का निर्माण किया जाए। धन्यवाद। आपका परिचय? मैं रीना सर।